इलास्टिक हिस्टेरेसिस है। हमने ये टर्म पहले भी सुनी थी लास्ट लेक्चर में, हिस्टेरेसिस। तो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप इमेजिन करें एक रबर का मटेरियल लें, आप उस रबर के मटेरियल को क्या करें, लोड लगाएं उसको एक्सपैंड होने दें, लोड घटाएं उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने दें, लोड बढ़ाएं लोड अनलोड करें, लोड अनलोड लोड अनलोड ऐसे, ठीक है। तो जब आप ऐसा खींचेंगे फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, फिर खींचेंगे नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, लोड अनलोड करेंगे, तो आपका आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस, और उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ जब बनाया गया रबर को एक्सपैंड करने के लिए, जब लोडिंग की, जब लोड किया, लोड लगाया, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ये आया, ओ ए बी आया, ओ ए बी आया। और जब अनलोडिंग की तो स्ट्रेस आपने क्या किया, कम किया, तो स्ट्रेन भी कम होना चाहिए, और होना ये चाहिए था कि ये ग्राफ उसी रास्ते से वापस आ जाए। तो जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन लोड करते हुए हुआ, अनलोड करते हुए भी वैसे ही वापस आए, जो कि हुआ नहीं। अनलोड करते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट थी, और लोडिंग के दौरान डिफरेंट थी, यानी कि ये ग्राफ रीट्रेस ना हो पाया। जाते हुए लोड करते हुए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अलग बनता है, अनलोड करते हुए जब आप स्ट्रेस चेंज करते हो तो स्ट्रेन की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो ग्राफ ऐसा बन गया। तो वो यही कह रहा है कि एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है रबर सैंपल के लिए, जब लोडेड एंड अनलोडेड किया गया। तो जब हमने लोड को बढ़ाया तो ग्राफ ओ ए बी से फॉलो हुआ, और डिक्रीजिंग लोड के लिए कर्व बी सी ओ को फॉलो करता है। और ये फैक्ट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रीट्रेस्ड, इसने रीट्रेसिंग नहीं की, अलग रास्ते से गया, अलग रास्ते से आया, अलग अलग वैल्यू थी स्ट्रेस स्ट्रेन की जाते हुए, अलग अलग वैल्यू थी अनलोड करते हुए। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, कि स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यूज लोड और अनलोड होते हुए डिफरेंट होती हैं। तो ये इलास्टिक हिस्टेरेसिस है। हम क्यों करते हैं ये एक्सपेरिमेंट, हम क्यों ऐसे ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का, लोड करते हुए रबर रबर को और फिर अनलोड करते हुए, इसका एक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट, इसके अंडर जो एरिया आएगा, ये पिंक कलर का एरिया देख रहे हो, ये एरिया आपको देता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, अंडरलाइन कर लो इसे। तो ये आपको क्या देता है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही इसमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो एरिया क्या दे रहा है आपको, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। और जितना ज्यादा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, प्रॉब्लम यह है कि जब आप रबर बैंड को खींचते हो, लोड अनलोड करते हो, रबर बैंड ना गर्म हो जाती है, उसमें से एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है। तो जब एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, जितना एरिया कवर्ड होगा, जितना किसी भी मान लो एक हार्ड रबर है, एक सॉफ्ट रबर है, तो उसमें एरिया डिफरेंट आएगा, लैब में टेस्टिंग की जाती है। जिसका एरिया बड़ा आया उसमें हीट डिसिपेशन ज्यादा होती है, हीट बाहर ज्यादा निकलती है, और जिसका एरिया कम है उसमें हीट कम निकलती है। ये एक्सपेरिमेंटल है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, आप एक कंपनी खोलते हो और आपने सोचा कि यार टायर बेचेंगे पूरी दुनिया में, अपने नाम के टायर चलेंगे, टायर बनाएंगे गाड़ियों के। कैसे बनाओगे, मटीरियल क्या यूज करोगे, आपको पूछ लेंगे किसी से। अब उसने भी तो कुछ किया ही होगा, मटीरियल क्या यूज कर, लोहा क्यों यूज कर लिया, कोई रबर भी किस टाइप की रबर है, रबर की भी कई क्लासेस हैं। तो वो क्या, लोग क्या करते हैं, जो टायर बनाते हैं वो अलग अलग रबर की क्वालिटीज पे टेस्टिंग करते हैं, और एक टाइप की रबर ली, दो टाइप की रबर ली, तीन टाइप की रबर बनाते हैं, रबर को टेस्ट करते हैं, जिसमें ये एरिया सबसे कम आता है। पहले लोड लगाते हैं, अनलोड करते हैं, लोड लगाते हैं, अनलोड करते हैं, जिसमें ये एरिया कम आएगा उसको टायर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि गर्मी टायर में उतनी ही कम होगी, हीट कम होगी जिसका एरिया कम होगा। सिंपल है, एरिया कम है तो हीट डिसिपेशन कम है, तो वो मटेरियल यूज करेंगे जिसमें एरिया कम होगा, क्योंकि टायर ने वैसे भी घूमना है और इलास्टिक है, तो बेसिकली होगा वैसे भी गर्मी होगी, ऊपर से वो सस्पेंशन टायर ऊपर नीचे होगा, जब गाड़ियां चलती हैं तो रबर वो लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है। तो आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका हिस्टायरेसिस का कर्व का एरिया लेस है। ये पहली एप्लीकेशन है। तो टायर कंपनी खोलने से पहले टेस्टिंग की जाती है कि क्या मटेरियल सूटेबल है, एक यहाँ काम आता है। दूसरा, कुछ रबर्स ऐसी होती हैं जो हार्ड रबर है, हार्ड रबर फैक्ट्रियों में बनती है, उसको क्या हार्ड ऐसे बनाया जाता है, उसको ना कंप्रेस कर दिया जाता है लोड के साथ, लोडिंग की जाती है, अनलोडिंग की जाती है, फिर दबा दिया जाता है और उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। जितनी गर्म करोगे उतनी हार्ड हो जाती है फैक्ट्रियों में। अब मैं ये चाहूंगा कि हार्ड रबर में वो मटेरियल यूज हो जिसमें हीट ज्यादा चाहिए मुझे, तब मैं वो मटेरियल यूज करूंगा जिसमें हिस्टायरेसिस का एरिया बड़ा मिलेगा।
टायर में कम चाहिए एरिया और जहां गर्मी देनी है वहां पर एरिया ज्यादा चाहिए। तो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे हार्ड रबर बनाने के लिए जहां पर हीटिंग ज्यादा चाहिए, तो जिसका हिस्टैरिसिस कर्व ज्यादा होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि क्या इसकी एप्लीकेशन है, कैसे लैब के अंदर टेस्टिंग होती है और कैसे, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिर उसके बाद चीजों को बनाया जाता है। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल ही हमें कार टायर वाला भी और पैडिंग बोलते हैं ऐसे रबर को गर्म करना, पैड के ऊपर गर्म करते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल में आते नहीं है वैसे, पर मैं जब लिख रहा था मैंने एप्लीकेशन भी लिख ली इसकी। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक, मेन कॉन्सेप्ट है एरिया का, बट इसका एरिया कम है वो हीट कम देगा, कम बाहर निकाल लेगा।